find out the square of general numbers. General numbers say the numbers which lie from 35 to 149. So we can find out the square of these numbers with the help of four methods. हमको अगर इसका स्क्वायर निकालना है नंबर्स के तो हमारे पास चार मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। चार मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है लास्ट डिजिट 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर हम बहुत इजीली और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर है 35, 55, 75, 125, 125, 145, 195 इवन 295 तक के नंबर्स का स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं अगर उसकी लास्ट डिजिट 5 है तो। सेकंड मेथड है बेस 100। बेस 100 मतलब अगर हम बेस 100 मान के हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 100 के आसपास लाई करते हैं, जो कि 100 के आसपास लाई करते हैं, जैसे कि 75 से लेके 130 तक। इन नंबर्स का स्क्वायर हम बेस 100 मेथड से निकाल सकते हैं। थर्ड मेथड है बेस 50। बेस 50 में वो नंबर जो कि 50 के आसपास लाई करते हैं, जैसे कि 35 से लेके 75 तक। तो इन नंबर का स्क्वायर हम बेस 50 मेथड से निकाल सकते हैं। लास्ट मेथड आता है यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे इस वीडियो में हम केवल फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लास्ट डिजिट 5। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है तो हम किस तरह से स्क्वायर को निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। बाकी आने वाले वीडियोस में जो अपकमिंग वीडियोस होते हैं उसमें हम बाकी मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के जो कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो हम किस तरह से स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास लास्ट डिजिट 5 है तो इसके स्क्वायर किसी भी नंबर के स्क्वायर जिसकी लास्ट डिजिट 5 है तो उसके लिए हमको दो वैल्यूज होती है, दो तरीके, दो मेथड्स होते हैं। मेथड्स मीन्स दो पार्ट होते हैं इसको निकालने के। फर्स्ट लास्ट डिजिट 5 है तो लास्ट डिजिट 5 में तो 5 का स्क्वायर आएगा, तो लास्ट टू डिजिट्स तो फिक्स हो गई। आखिरी के दो डिजिट में तो क्या आएगा 25। आखिरी के दो डिजिट में तो 25 आएगा ही आएगा। पहले डिजिट में n n प्लस 1, अगर जो बची हुई डिजिट्स है उनमें क्या आएगा n n प्लस 1। बात करते हैं सपोज अगर हमारे पास नंबर है इसको अगर एक्सपेंड करेंगे हो जाता है n स्क्वायर प्लस n। जैसे सपोज करो हमारे पास नंबर है 7 n की वैल्यू, तो 7 प्लस 1, अब 7 प्लस 1 कितना होता है 8, 8 मल्टीप्लाई 7 56। अगर हम बात करें n की वैल्यू है 9, 9 प्लस 1 कितना होगा 10, 10 मल्टीप्लाई 9 90। सपोज करो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 12 प्लस 1, अब 12 प्लस 1 30 मल्टीप्लाई 12 करने बैठे तो बहुत बड़ी वैल्यू, कैलकुलेशन बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 12। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 12 कितना होगा 156। इसको हम कह सकते हैं 156। तो लास्ट डिजिट तो 25 आई भी आएगी उन नंबर्स में। तो इसको पढ़ने के लिए हमको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर तो हम सबको याद होते हैं, पर अगर 11 से 29 तक के स्क्वायर की बात करें, 11 से 29 तक के स्क्वायर्स की बात करें तो वो एक बार हमको याद होने चाहिए। तो हम एक बार लिख लेते हैं याद, ताकि आप लोग किस तरह से उसको याद कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास 11 का स्क्वायर, अगर 11 का स्क्वायर होता है तो वो कितना होता है 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर हमारे पास होता है 196, 15 स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर वो होता है हमारे पास 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। ये तो हो गए
11 से लेके 20 तक के स्क्वायर, ये बहुतों को बहुत हम सबको बहुत इजीली याद भी होंगे, तो एक बार हमने इसको रिकॉल कर लिया कि क्या होते हैं 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर, वो हमारे यहाँ पे काम में आने वाला है, हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक और चीज़ 21 से लेके 29 तक के भी देख लेते हैं, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 586, 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर एक दूसरे से रिलेटेड है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का स्क्वायर होता है 676, 27 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर एक दूसरे से रिलेटेड है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर रिलेटेड है, ये होता है 484, ये होता है 784, 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर आपस में रिलेटेड है, वो होता है 441, ये होता है 841। तो देखा जाए तो ये आपस में रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है, याद करने में आसानी होती है, ये वाला इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है, और ये वाला इससे रिलेटेड है। तो अगर हमको ये स्क्वायर याद है तो हम इजीली किसी भी नंबर जो कि 5 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो हमको निकालना है स्क्वायर, हमको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 तो आएगा ही आएगा लास्ट डिजिट में, बची हुई डिजिट कितनी होगी 3, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3, n प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 थ्री 12, 1225 इसका आंसर। 45 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा, आखिरी डिजिट पे 25 तो आएगा ही आएगा, n की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 प्लस 1 5, 5 4 तो 20, 2025 इसका आंसर, 2025 आंसर आ गया। बात करें 75 के स्क्वायर की, 75 में लास्ट डिजिट 25 तो आएगी आएगी क्योंकि लास्ट डिजिट है यहाँ पे 5, अब n की वैल्यू कितनी होगी 7, तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 7, तो 7 प्लस 1 8756, 5625। अगर हम 3 डिजिट्स पे जाए जैसे सपोज करो 125 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 n की जगह पे 12 लगा 12 प्लस 1, अब 12 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 12 वो कितना होता है 144 प्लस 12 कितना होता है 156, 15625। तो कितनी आसानी से हमने इनके स्क्वायर की वैल्यूज निकाली। अगर हम और बड़ी वैल्यूज की बात करें जैसे बात करते हैं हम 165 की, तो 165 लास्ट डिजिट क्या है 5, 25 तो आएगा आएगा, बचा क्या 16, एन की वैल्यू 16 होगी तो 16 प्लस 1, 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर हमको पता है 256 होता है प्लस 16, तो 256 प्लस 6 262, 262 प्लस 10 272, आंसर आएगा 27225। अगर हमारे पास नंबर है 185 इसका स्क्वायर क्या होगा भाई 25 तो लास्ट में आएगा जाएगा और बचा क्या 18, n की वैल्यू है तो 18 प्लस 1, 18 स्क्वायर प्लस 18 324 प्लस 18, 324 प्लस 10 334, 334 प्लस 8 342, 34225 ये हमारा आंसर है। सपोज सर हमको निकालना है 225 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग जाए पर अगर हमको ये मेथड बताओ तो हम बहुत आसानी से इसके स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो लास्ट डिजिट कितनी है 5 यहाँ पे 25 तो आएगा आएगा, बचा कितना 22, एन की वैल्यू कितनी होगी 22,
22 n plus 1 कितना हो गया 22 plus 1 तो 22 का स्क्वायर plus 22 22 का स्क्वायर आपको पता है 484 होता है plus 22 तो कितना हो गया 484 ये हो गया 6 8 9 10 और 5 50625 तो बड़ी आसानी से हमने एक दो सेकंड्स के अंदर 50625 हमने आंसर निकाल लिया। ये मेथड हमारे लिए बहुत काम का है अगर हम कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल एग्जाम्स में भी देखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, स्क्वायर्स हम फटाफट निकाल पाए ताकि कैलकुलेशन में हमारा टाइम कम खर्च हो। तो इस मेथड को हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ रहा है सब कुछ और बहुत आसानी से हम स्क्वायर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक और बात, एक और नंबर लेते हैं, सपोज करो 295 का स्क्वायर अगर आप निकालें वही लास्ट से 5 तो 5 का स्क्वायर निकाल दो 25 अब 290 बचा कितना 29 प्लस 1 29 का स्क्वायर प्लस 29 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस 29 अब 9 और 10 4 5 6 7 और 87025 ये हमारा आंसर है। इतनी आसानी से हमने 295 के स्क्वायर को भी निकाल लिया। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बेस 100 मेथड को। तो अगर आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ को। थैंक यू।